चिल्ड्रेन सच चिल्ड्रेन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्रोफेशन प्रोफेशन मतलब क्या होता है प्रोफेशन मतलब अभी आपके जैसा मम्मी और डैडी काम करते हैं ना काम के लिए जाते हैं कुछ ना कुछ हम काम करते हैं राइट right? आप भी बड़े होके कुछ ना कुछ काम करेंगे बिकॉज वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू अर्न मनी एंड एवरीबडी लव टू डू सम एंड इन दिस वे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी और हम इसे कहते हैं इन लोगों को कम्युनिटी हेल्पर्स कम्युनिटी मतलब जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो ये डिफरेंट प्रोफेशन और ये डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर क्या होते हैं सो चिल्ड्रेन इट इज़ समथिंग विच यू वॉन्ट टू बिकम वेन यू ग्रो अप अब आप बड़े हो क्या बनना चाहेंगे कोई कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है किसी को इंजीनियर बनना है किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो बड़े होकर आर्टिस्ट बन सकते हैं ओके okay, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं जो आप बड़े हो बन सकते हैं अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना पसंद है तो आप बड़े होके पायलट बन सकते हैं किसी को पुलिस मैन बहुत पसंद है तो वो पुलिस मैन बन सकते हैं है ना वैसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं हमें इसे कम्युनिटी हेल्पर्स भी कहते हैं जो हमारे कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प करते हैं जैसे टेलर होता है ना दर्जी जो कपड़े सीता है हमारे तो उसे हम टेलर कहते हैं हमारे बाल कट करने हम किसके पास जाते हैं विच कम्युनिटी हेल्पर हेल्प्स अस यस द बार्बर नाई हमारे बाल हमें कट करके देते हैं है ना तो वो भी हमारे कम्युनिटी में हेल्प करते हैं वैसे बहुत 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 सारे प्रोफेशंस होते हैं बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं सो चिल्ड्रेन वी आर गोइंग टू स्टडी एवरी डे फ्यू फ्यू लिटिल लिटिल थोड़े थोड़े हम रोज देखेंगे ओके सो डू यू वॉन्ट टू सी क्या बड़े होके क्या क्या बन सकते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ बन सकते हैं वी कैन चूज लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस सो चिल्ड्रेन अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रोफेशन ओके हम देखते हैं कि आप और क्या क्या बन सकते हैं ओके लेट अस बिगेन विद द फर्स्ट वन ओ वाओ हु इज दिस स द फर्स्ट प्रोफेशन इज़ एयर होस्टेस रिपीट आफ्टर मी एयर होस्टस एयर होस्टेस मतलब जब हम एरोप्लन में जाके बैठते हैं एरोप्लन से हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना एरोप्लेन तो उसमें हमें होस्ट कौन करेगा एयर में एयर में अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें कौन हेल्प करेगा विच कम्यूनिटी हेल्पर एयर होस्टेस जो हमें एयर में होस्ट करते हैं हमारा ध्यान रखते हैं हमारा ख्याल रखते हैं हमें पानी चाहिए हमें वॉशरूम जाना है तो हमें दिखाते हैं हमें कुछ खाना चाहिए हमें टी कॉफी चाहिए तो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं एयर होस्टेस ओके तो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन द एयर इन द एरोप्लेन वी आर द पैसेंजर्स सो दिस एयर होस्टेस टेक्स केयर ऑफ द पैसेंजर्स इन द एयरक्राफ्ट ओके चिल्ड्रेन नाउ द नेक्स्ट वन इज अवर फेवरेट हुस इट्स अ डॉक्टर सो चिल्ड्रेन इफ यू गेट अनवेल अगर हमें अच्छा नहीं दिख रहा और हमें अगर हॉस्पिटल जाना है तो विच कम्युनिटी हेल्पर विल हेल्पस विच प्रोफेशन विज गोइंग टू हेल्प एस स द कम्युनिटी हेल्पर इज अ डॉक्टर द प्रोफेशन इज ऑफ अ डॉक्टर द डॉक्टर ट्रीट पीपल हु आर इल इफ यू आर इल अगर हमें हम अच्छा नहीं दिख रहा हमें बुखार है फीवर है कुछ भी हो रहा है हमें तो हमें कौन हमारा ख्याल रखता है हु टेक्स केयर ऑफ अस यस एंड फॉर दैट चिल्ड्रेन यू हैव टू स्टडी अ लॉट ठीक है आपको रोज बहुत सारा स्टडी करना है उसके लिए नाउ नेक्स्ट ये तो हो गया डॉक्टर अगर आपको खासी सर्दी बुखार है लेकिन ना कभी कभी सिर्फ खाँसी सर्दी बुखार कोल्ड एंड कफ नहीं होते हैं बड़े बड़े मेजर प्रॉब्लम्स भी होते हैं बड़े होने के बाद कभी अगर खुदा न खासा अगर इफ़ टच अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी को फ्रैक्चर हो गया या फिर अगर कोई हार्ट डिजीज़ हो गई या फिर अगर ब्रेन इंजुरी है ओके आपका ब्रेन हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं ना बहुत मेजर वाले जिसको बहुत टाइम देना पड़ता है कभी कभी फुल ट्वेंटी फोर आवर्स पूरा दिन लग जाता है तो इतने बड़े मेजर ऑपरेशन हार्ट का ब्रेन का आपके अंदर इंटरनल पार्ट्स का कट करके जो ऑपरेशन करते हैं ना वो कटिंग वाले ऑपरेशन कौन करते हैं सर्जरी परफॉर्म कौन करता है सर्जन ओके okay. जो सर्जरी करता है सर्जरी मतलब ऑपरेशन करते हैं कट करके इंटरनल पार्ट्स आपके बॉडी के अंदर के पार्ट आपका अंदर का स्टमक अंदर आपके जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उसको ख्याल कौन रखता है उसका सर्जन रिपीट आफ्टर मी सर्जन और इसके लिए आपको बहुत दिन रात डे एंड नाइट आपको बहुत सारी बुक्स रीड करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज याद रखना पड़ता है चिल्ड्रेन अब जब आप वहाँ पे कोई आता है हॉस्पिटल में तो दिन भर तो डॉक्टर और सर्जन नहीं होता आपके आसपास 24/7 कि आपको वॉशरूम जाना है आपको पानी चाहिए तो वहाँ पे आपका ख्याल कौन रखता है दिन भर आपको दिन भर कौन आपको देखता है नर्स द नेक्स्ट प्रोफेशन इज अ नर्स द नर्स टेक केयर ऑफ सिक पीपल हॉस्पिटल में दिन भर हर थोड़ी थोड़ी देर में आके देखना आई यू फीलिंग गुड आपको अच्छा लग रहा है ना आपको बुखार तो नहीं है आपको आके बार बार चेक करना आपको दवाई देना टाइम टू टाइम आपको खाना पानी देना टाइम टू टाइम आपका सब दिन भर हॉस्पिटल में ख्याल कौन रखती है द नर्स टेक्स केयर ऑफ अस वेन वी आर इन हॉस्पिटल सिख पीपल का हा ख्याल रखती है नर्स ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट सी द नेक्स्ट प्रोफेशन नाउ हु इज दिस

उस कम्युनिटी हेल्पर का नाम है टीचर और वो प्रोफेशन को कहते हैं टीचिंग करना सो चिल्ड्रेन डू यू लाइक योर टीचर एवरी वन नो सो टेल मी वेदर यू लाइक योर टीचर और नो एंड ना ये तो हो गया टीचिंग अब होती है लाइब्रेरी आपको मालूम है लाइब्रेरी क्या होती है लाइब्रेरी इज अ प्लेस यू फाइंड लॉट्स ऑफ बुक्स बहुत 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 सारी बुक्स होती है ऑल काइंड ऑफ बुक्स स्टोरी बुक्स रीडिंग बुक्स नावल्स मैगजीन्स बहुत सारी बुक्स रिसर्च बुक्स टेक्स्ट बुक्स यू गेट ऑल काइंड ऑफ बुक्स इन अ अग रूम और वो बड़े से रूम में जहाँ पे हर तरह की बहुत सारी बुक्स होती है न वह रूम को बोलते हैं लाइब्रेरी रिपीट आफ्टर मी लाइब्रेरी अच्छा अब ये रूम का ख्याल भी रखना पड़ेगा ना उसको अच्छे से क्लीन करके रखना उसको जमाना उसको शेल्फ़्स को अच्छे से करके रखना कौन बुक्स ले रहा है किसके पास से रिटर्न आ रही है उसको अच्छे से याद रखना उसको लिख के रखना वो बुक्स के नेम्स वग़ैरह तो वो उसका ख्याल कौन रखता है लाइब्रेरी का अ लाइब्रेरियन मेरे पीछे बोलो लाइब्रेरियन 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 जो लाइब्रेरी का ख्याल रखता है जो वर्क करता है लाइब्रेरी में तो ये प्रोफेशन का नाम है अ लाइब्रेरियन कम्युनिटी हेल्पर इज लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी एंड ऑफ द बुक्स नाइस प्रोफेशन इजेंट इट जब आप बड़े हो जाएगी अगर तो आपको बुक्स रीड करना बहुत पसंद आएगा ना तो आप भी बड़े होकर लाइब्रेरियन बन सकते हैं आप दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स के बीच में वाओ कितनी अच्छी खुशबू आती है राइट यू कैन टेक केयर ऑफ द बुक्स यू कैन राइट देम डाउन यू कैन कीप द लाइब्रेरी क्लीन नीट एंड टाइडी इज़ चिल्ड्रेन वॉट अ लवली प्रोफेशन इज इट वाओ नाउ लुक वट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर ये द लेडी इज सीविंग सम क्लोथ्स सीव करना मतलब उसको स्टिच करना उसको सीना वो स्टिच कर रही है सीव कर रही है क्लोथ्स को देखो तो उसके उसको वो प्रोफेशन का नाम क्या है द कम्युनिटी हेल्पर इज अम स्ट्रेस या फिर हम कहते हैं टेलर टेलर क्या करता है सीम स्ट्रेस द क्लोथ्स फॉर अस अगर सीम स्ट्रेस ही नहीं होगी टेलर्स नहीं होंगे तो आपने और मैंने जो क्लोथ्स पहने हैं वो स्टिच कैसे होके आएंगे हाँ हमारी जीन्स हमारे शर्ट्स हमारे फ्रॉक्स कुर्ता पैजामा ये सब हमें कौन स्टिच करके देगा ओ ओ सो इज इन दिस जॉब अ प्रटी इम्पॉर्टेंट वन सो चिल्ड्रेन इफ यू वॉन्ट टू ग्रो अप एंड इफ यू लव सीविंग एंड स्टिचिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स यू कैन बी अ अस द टेलर टू वाओ एंड इफ़ यू हेव गॉट इंटरेस्ट इन लॉड्स ऑफ फंक डिफरेंट अच्छे अच्छे अगर आपको क्लोथ्स बनाना है तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लेके अच्छे से नया नया टाइप का फैशनेबल क्लोथ्स भी स्टिच कर सकते हैं वाओ एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रोफेशन ये कम्युनिटी हेल्पर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम इसे कहते हैं इंजीनियर रिपीट आफ्टर मी इंजीनियर ये इंजीनियर क्या करते हैं किसी को मालूम है आपको मालूम है इंजीनियर का काम क्या होता है यस yes. हम जो घर में बैठे हैं ना हमारे घर हमारे रोड्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स ये सब कौन बनाता है कौन बिल्ड करता है ये इंजीनियर्स बिल्ड द रोड्स डैम्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स हाउसेस स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये सब बिल्ड करना काम है ये इंजीनियर का ये इंजीनियर्स ना अच्छे अच्छे डिज़ाइन करते हैं और वो डिज़ाइन के बाद फिर वो बिल्डिंग्स को रोड्स को ब्रिज को ये सब चीज़ों को बिल्ड करते हैं ओके अगर आपको इंटरेस्ट है ना इंजीनियर बनने में तो आप इसका एक फेवरेट कार्टून भी देख सकते हैं यू कैन पुट ऑन यू बॉब द बिल्डर और आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से मशीन्स और टूल्स यूज करना होता है और इसके लिए भी ना चिल्ड्रन आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए आपको बहुत दिन रात रीडिंग करना पड़ेगा दिन रात स्टडी करना पड़ेगा आपको मैथ्स भी बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा ओके सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर यू हैव टू लर्न अ लॉट अच्छा अब जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जब ये बिल्डर इंजीनियर बिल्ड करेंगे रोड्स और हाउसेस तो ये बिल्ड करने के लिए इसे बनाएगा कौन क्योंकि आइडिया तो वो देगा इंजीनियर लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोग लगते हैं ना खुद से थोड़ी ना बन जाएगी बड़ी बिल्डिंग या बड़ा हाउस सो फॉर दैट वी नीड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स द कम्युनिटी हेल्पर आर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखो ऐसा काम करते हैं ऐसे ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं आपने इन्हें बहुत बार देखा होगा रस्ते पे रोड के जो अपना पे, अपना पेवमेंट होता है बीच में डिवाइडर होता है ना वहाँ पे आपको देखे हो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये लोग ब्रिक्स रखते हैं ईट रखते हैं सीमेंट डालते हैं पूरा काम ये लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इट्स अ वेरी लेबरस जॉब बहुत उसमें ताकत लगती है बहुत उसमें दिन भर बहुत उसको फिजिकल वर्क करना पड़ता है नाउ नेक्स्ट इज अ। वाओ व्हाट कैन यू सी सी लुक एट द पिक्चर बिलो नीचे के पिक्चर में क्या है आई कैन सी अ सेट ऑफ टीथ। हम्म तो हमारे दांतों का ख्याल कौन रखता है अगर हमारे टीथ में पेन हो रहा है आओ मामा माय टीथ इज पेनिंग, तो आपको मामा कहा लेके जाएंगे डॉक्टर के पास सर्जन के पास नर्स के पास आ, इसके लिए एक डिफरेंट डॉक्टर है जिसे हम कहते हैं द कम्युनिटी हेल्पर इज अ डेंटिस्ट द प्रोफेशन डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ योर तीत अगर आपका तीत में अगर कैविटी आ गई है कभी देखो ब्लैक ब्लैक होकर अगर आप बहुत सारे चॉकलेट्स और बहुत स्वीट्स खाते हैं बहुत जंक फूड खाते हैं ना तो आप ब्रश नहीं करते बिल्कुल ट्वाइस अ डे मॉर्निंग एंड नाइट में आप दो दो बार ब्रश नहीं करोगे ना तो बैक्टीरियाज आपके तीत में पार्टी करेंगे और फिर आपके तीत में उधर ही खा के उधर ही फिर कचरा करेंगे और फिर आपके तीत पूरे ब्लैक ब्लैक होकर आपको पेन होने लग जाएगा तो फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाके ना आपके दांत निकालने पड़ेंगे पड़ेगे सो चिल्ड्रेन ओनली ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्योंकि ना बैक्टीरिया को फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं पसंद उसे सिर्फ जंक फूड पसंद है स्वीट चॉकलेट्स लॉलीपॉप्स चिप्स पसंद है और जब आप बहुत सारे वो खाते हैं ना तो पूरे बैक्टीरिया आ जाते हैं और आपके मुंह में पार्टी करते हैं और फिर आप ट्वाइस से टाइम ब्रश भी नहीं करते मॉर्निंग में नाइट में दो दो बार आप करते हैं ट्वाइस से टाइम ब्रश अगर आप नहीं करते ना तो करो नहीं तो फिर ना बड़े होके वो तीत ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है कैविटी हो जाती है फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके वो डेंटिस्ट आपके तीत निकाल देंगे सो हु टेक्स केयर ऑफ योर तीत अ डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ योर तीथ एंड इट रिपेयर यूर तीथ एंड योर गाउ नेक्स्ट वन इज कार पिक्चर किसकी गाड़ी है पुलिस कार है कि नहीं तो वो कम्युनिटी वर्कर कौन है इट्स अलिस मैन ये कम्युनिटी हेल्पर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी में पूरे सोसाइटी में सब जगह पे सेफ्टी और ऑर्डर का ख्याल रखते हैं कि सब लोग सेफ है कि नहीं कहीं पे कोई चोर चोरी तो नहीं कर रहा कहीं एक्सीडेंट्स तो नहीं हो रहे रोड पे अच्छे से रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना सब लोग हेलमेट पहन रहे हैं तो ये सब के सब लोगों के सेफ्टी का ख्याल ये पुलिस मैन रखते हैं वाह वेरी नाइस प्रोफेशन इजन इट बींग अ पुलिस मैन नाउ द नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट हाँ वाह वट अ नोबल प्रोफेशन साइंटिस्ट पता है आपको क्या करते हैं साइंटिस्ट ना लैब में काम करते हैं उनके रूम को ना लैब बोलते हैं लेबोरेटरी और वो लेबोरेटरी में बहुत सारे अलग अलग रिसर्च करते हैं जैसे अभी करोना वायरस चल रहा है ना तो करोना वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें एक वैक्सीन बनानी पड़ेगी तो वो रिसर्च कौन करेगा तो ये साइंटिस्ट उनके लैबोरेटरी में उनके लैब में दिन भर काम करके हमारे कम्युनिटी को हेल्प करते हैं मेडिसिन निकालते हैं टैबलेट्स निकालते हैं आप पीते हैं ना टेबलेट सिरप जो आपको सर्दी खांसी होती है तो वो टैबलेट्स और सिरप्स कौन बनाते हैं ताकि हमें बुखार ना आए ताकि हम अच्छे से रहे ताकि हम हेल्दी रहे हमारा ख्याल ये लोग रखते हैं साइंटिस्ट ओके अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाते हैं साइंटिस्ट है, हमें लाइट इन इन्वेंट करके दिया है लाइट बल्बस फैन ये सब किसने इन्वेंट किए हैं साइंटिस्ट ने ओके okay? सो so आप भी बड़े होके साइंटिस्ट बन सकते हैं आपको उसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए आपको साइंस मैथ्स टेक्नोलॉजी आपको इंटरेस्ट से ध्यान दे के पढ़ना है और उसको याद रखना है तो आप बड़े होके साइंटिस्ट बन सकते हैं वाओ अ नाइस प्रोफेशन इजेंट इट चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन

okay so children study hard and i'll see you next time with another community helpers and professions bye bye see you next time children